सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट जो हमारा हाथ के अंदर है, तल हृदय। तल हृदय, अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसका नाम है कि हमारे हार्ट का पॉइंट। आयुर्वेद के अंदर जो हृदय है वो पांच माने गए हैं, जो हार्ट है वो पांच माने गए हैं। एक तो हमारा हार्ट जो लेफ्ट साइड में है वो है, और दो ये पॉइंट जो है हमारे हाथों के वो है, वो दो पैरों के, चार ये तल हृदय के पॉइंट और एक हमारा हार्ट का पॉइंट, पांच। मेरे को याद है कि मैंने बचपन में स्कूल में एनसीसी ली हुई थी, तो उसके अंदर भी हमारे को कुछ बातें सिखाई जाती थी कि कोई अगर बेहोश हो जाए उसको कैसे होश में लाना है, तो क्या करते थे, बताते थे कि उसके हाथ तलवे को, हाथों के और पैरों के तलवों को अच्छी तरह मसाज करनी है, आर्टिफिशियल सांस देनी है, वो भी बताया जाता था। तो ये क्या थे, ब्रह्म पॉइंट तो थे कि तब उनको ये बातें नहीं मालूम थी 40-45-50 साल पहले कि ये मरम पॉइंट है। उनको ये पता था, हमारे बुजुर्गों को भी देख लो, आप कभी बाजार में जाओ अगर कोई बेहोश हो जाए तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उसके हाथ पैर रगड़ते हैं, सबको मालूम है ये पॉइंट। तो ये जो तल हृदय पॉइंट है ये हमारे बिल्कुल हथेली के सेंटर में है। इसका जो परिमाप है आधी उंगली है, और हथेली का जो परिमाप है हमारा यहां से लेकर यहां तक ये 6 उंगली है। तो इसके बिल्कुल सेंटर में अगर हम दो लाइन खींचेंगे तो उसका परिमाप जो है 3 उंगली होगा, ऊपर से और नीचे से भी। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में, सभी वीडियो जब बनाऊंगा तो सबके एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन भी बताऊंगा। अभी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि आपको आइडिया हो इनके क्या क्या फायदे हैं इस मरम थेरेपी को सिमुलेट करने के। तल हृदय मींस हार्ट ऑफ द पाम, ये दोनों हाथों में एक एक, दोनों पैरों में एक एक। अब इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इससे हम कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एक तो हमारा हाइपोटेंशन हो, हाइपो हो या हाइपर हो, उसमें ये हमारा पॉइंट बहुत अच्छा काम करता है। हाई बीपी में और लो बीपी में भी इस पॉइंट को हम सिमुलेट करते हैं। जितनी हमारी दिमागी परेशानियां हैं, जो हमारे दिमाग से रिलेटेड हैं, वो सारी इससे ठीक होती हैं। हिस्टीरिया हो या कई बच्चों की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही होती, या कई बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, उनके लिए, जिन बच्चों को कोई मानसिक बीमारी हो उनके लिए ये सबसे अच्छा पॉइंट है। दोनों के दबाने पड़ेंगे हमें, हाथों के भी पैरों के भी। और जिनको मिर्गी के दौड़े पड़ते हो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है।
और कई बार होता है कि हमारी ये जो बीच की तीन उंगलियां ये काम नहीं करती, कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास, उनकी जैसे उंगली दबाई ऐसे किया तो ये अपने आप ये खुलती नहीं है, एक खुल जाएगी तो दूसरी नहीं खुलेगी, फिर उसको हाथ से वो ऐसे करते हैं। इतनी कॉमन डिजीज नहीं है, तो उसके लिए भी ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये तीनों उंगलियों को अगर ये काम ना करती हूँ, इनमें कोई दिक्कत हो, तो तल हृदय जो पॉइंट है, तल हृदय मरम पॉइंट, इसको भी हमने ट्रीट करना है। हाथों की उंगलियों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमने शिप्रामर, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद होता रहे, शिप्रामर साथ में तल हृदय मरम, ये आपने लेना ही लेना है। अगर हम सब ठीक भी हैं तब भी हमें दिन में एक बार तो ये पॉइंट्स अपने आप सिमुलेट करने चाहिए। आपको मैं बाद में बताऊंगा कि हमने अपने आप करने का तरीका क्या है, हम अपने आप भी अपने पॉइंट्स कैसे उत्तेजित कर सकते हैं। अब अगली वीडियो के हम अंदर हम बात करेंगे कुलचा की, कुलचा फिर बात करेंगे कुलचा शिरा की। तब तक ले नमस्कार, हैव ए नाइस डे।